एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हमारे वेद के प्राचीन ऋषि कहते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, वो आदि पुरुष परमात्मा एक है और सभी प्राणियों में गोपनीय रूप से वो समाया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं पिछले जन्मों के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, और हम लोग यहाँ हैं ऋषिकेश में, और हमारे साथ हैं श्री अतुल जी, और बहुत अच्छे साधक हैं, ऋषिकेश में ही रहते हैं। तो इनके जो गुरु महाराज हैं, उनके जो पिछले जन्म हुए हैं, उसके विषय में, उन जन्मों के विषय में हम इनसे वार्तालाप करेंगे। तो आपके जो आध्यात्मिक गुरु जी, थे, हाँ जी, अब तो शरीर अब शरीर गया है। शरीर पूरा हो गया, दो वर्ष हो गए। दो वर्ष हो गए, हाँ जी। उनका शुभ नाम क्या था? उनका शुभ नाम योगाचार्य श्री राजपाल जी था। राजपाल जी, हाँ। और उनका जन्म स्थान? उनका जन्म स्थान सहारनपुर जिले में भायला कह करके एक ग्राम पड़ता है, वहाँ के। तो वहाँ पर वो वहाँ के थे। अच्छा अच्छा जी। और किस परिवार से थे? वो एक राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। अच्छा। और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो हरिद्वार में है, वहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद उन्होंने लगभग 11 वर्ष तक भारतीय नेवी में काम किया। अच्छा अच्छा, सर्विस की। सर्विस की। अच्छा। उसके बाद चूंकि पूर्व जन्म की साधना इतनी उन्नत थी, तो उनका मन नौकरी में नहीं लगा और वहाँ से छोड़ करके, हाँ। और फिर वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा में यहाँ पर आ गए। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर ऋषिकेश में एक बहुत उच्च कोटि के योगी हुए हैं, स्वामी योगेश्वरानंद परमहंस, तो वो उनके प्रधान शिष्यों में से थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बार आपने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो बरनावा के कृष्णदत्त ब्रह्मचारी थे, जिनके शरीर से सतयुग और त्रेता युग की आत्मा, श्रृंगी ऋषि की आत्मा बोलती, हाँ, थी। हाँ जी। तो वो जो आपने बताया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक बार आरंभिक साधना में गुरुजी थे जी। वो एक गुरुजी जब उनके सत्संग में गए, तो सत्संग लेट करके प्राय ऐसे करके सिर उनका हिलता था और वो सत्संग करते थे। तो गुरुजी के मन में प्रबल प्रश्न उठा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भारतीय योगी इस भारत भूमि के अलावा किसी अन्य ग्रहों में भी रहते हैं क्या? ग्रहों में, हाँ। उनके आश्रम है, उनके आश्रम है क्या? हाँ। तो श्रृंगे वो जो कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे, जबकि गुरुजी ने ये प्रश्न पूछा नहीं था, केवल मन के अंदर ये प्रश्न आया था। तो कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मेरे मन के अंदर ये इस तरह का भाव वो आ रहा है कि यहाँ पर कोई अच्छा, एक बहुत शुभ आत्मा, अच्छी आत्मा मुझसे एक प्रश्न पूछना चाह रही है कि क्या भारतीय योगियों के आश्रम भारत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य ग्रहों पर भी है, दूसरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने उसका पूर्ण विस्तार, जैसे हमारा ये सौर मंडल है, सौर मंडल के ऊपर एक चंद्र केतु मंडल है, चंद्र केतु मंडल के ऊपर एक सोम केतु मंडल है, तो सोम केतु मंडल में 24 ग्रह हैं। अच्छा। और उन 24 के 24 ग्रहों में भारतीय योगियों के आश्रम है। और गुरुजी के, जो हमारे गुरुजी योगाचार्य श्री राजपाल जी थे जी। बाद में जब उनकी साधना उन्नत हुई, तब उन्हें पता चला कि उन्हीं में से एक सोम ग्रह है। अच्छा। और सोम ग्रह पर 11 जन्म पूर्व के उनके जो गुरुजी थे, अच्छा, उनका आश्रम वहीं पर है। हाँ, वर्तमान में भी सोम ग्रह पर। अच्छा, बहुत ही अद्भुत ये बात है और विषय है। और आप PhD भी कर रहे हैं इस विषय पर? हाँ जी, इस विषय पर PhD भी। क्या विषय है? मेरा विषय आत्मविज्ञान है। आत्मविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान को ही अध्यात्म कहा गया। अध्यात्म कहा जी जी। तो अब उनके पिछले जन्म के विषय में आप बताइए। गुरुजी अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा थी उसको 11 जन्म से आरंभ करके बताते थे। अच्छा। कि 11 जन्म पूर्व से मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई, जिसमें वो पिछले जन्म को विशेषकर नापते थे। अच्छा। उनका पिछला जन्म बिहार के आसपास कहीं पर था,
वो बताते थे भी स्थान के विषय में, और उनके जो गुरुजी थे वो बहुत उच्च कोटि के योगी थे, प्रभर्ति जी महाराज उनका नाम था। अच्छा अच्छा। तो एक बार बहुत, वैसे तो बहुत विस्तार से बताते थे, लेकिन विस्तार में ये था कि कम ही आयु में उनका शरीर पूरा हो गया था, छूट गया था। वो अपने गुरुजी के लिए जामुन लेने के लिए गए थे, बरसात के दिन थे, वो और उनके एक गुरु भाई दोनों एक नदी के किनारे गए, जामुन तोड़ी, न जामुन एक छोटी टोकरी में रख ली और दोनों कहा कि जामुन, और उसके बाद जामुन खाई, और जामुन खाने के बाद फिर ये विचार आया कि स्नान करके नदी में तब गुरुजी के लिए जामुन लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही स्नान करने के लिए नदी में कूदे तो नदी का बहाव इतना तेज था और सिर पत्थर से टकरा गया और उसी में बह गए। तो उनके जो दूसरे गुरुजी थे, दो गुरु भाई थे, वो जामुन की डलिया लेकर के, ये जो टोकरी थी उसको लेकर के गुरुजी के पास आए, प्रभर्ति जी महाराज के पास, रोने लगे और कहा कि गुरुजी ये जो है जो रामपाल, उन्होंने नाम भी बताया कि रामपाल का शरीर पूर्ण हो गया है। तो रोने लगे, तो गुरुजी तो पहले से जानते थे, तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं है, उसकी यात्रा यहीं तक थी, अब उसकी अगली आरंभ होगी, आगे फिर जन्म होगा, जन्म का जो यही बताया। लेकिन एक जो इसमें बहुत ही रोचक चीज है वो ये है कि वो हाथ में गुरुजी डलिया लिए हुए थे, टोकरी जामुन की, और आप जानते हैं कि जामुन में फल जितने भी होते हैं उसमें जामुन में विकार सबसे जल्दी आता है, जामुन 2-3 घंटे में खराब हो जाती है। तो डलिया उनके हाथ में थी, तो गुरुजी ने कहा कि रामपाल की यात्रा पूर्ण हो गई है और हमारा भी पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हो गया है। अच्छा। तो वो एक शिष्य, एक दूसरे शिष्य, दो शिष्यों को लेकर के, वो जो प्रभर्ति जी महाराज हैं, उस डलिया को, उस जामुन को लेकर के यहाँ से वो भी दूसरे ग्रह पर चले गए, और ध्यान में रहते हुए केवल गुरुजी को, तो गुरुजी तो बताते थे, गुरुजी नहीं, गुरुजी के अतिरिक्त और बहुत सारे शिष्य भी ऐसे थे जिन्होंने वो जामुन भी अभी भी रखी हुई, अच्छा, अनुभव में की है इस समय में भी। तो इस तरह से वो पिछले जन्म का बताते थे। उससे पिछला जन्म वो राजस्थान में एक जगह बताते थे, अच्छा, वहां पर भी साधना की थी, वहां पर भी एक योगी थे जिनसे वो हिमालय में मिले और उन्होंने बताया कि 3 जन पूर्व तुम उदयपुर में बताया, हाँ, उदयपुर के आसपास कहीं पर थे, और एक जन्म आपने बताया था कि वो गुरु के दाहिनी तरफ चले गए थे, वो ऐसा था, तो दूसरा जन्म लेना पड़ा। ये इसी ये प्रसंग इसी जन्म का था जो स्वामी, मैंने बताया कि उनके जो इस जन्म के गुरु जी थे स्वामी योगेश्वरानंद परमहंस, तो चूंकि साधना काल में कम समय में एक बार गुरुजी के प्रश्न, वो गुरुजी से क्या होता है कि जो शिष्य होता है उसका निश्चल मन होता है, गुरु का तो होता ही है, लेकिन शिष्य का भी गुरु के प्रति वो ऐसा समझता है, पिता के समान समझता है। तो एक बार प्रश्न पूछते पूछते वो गुरुजी के दाईं तरफ आ गए, अच्छा। दाईं तरफ आ गए तो उस समय एक गुरु भाई थे, उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बाद में आए शाम को तो उन्होंने उनके गुरुजी के एक चाटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया और कहा कि वैसे तो तुम बहुत ज्ञानी पुरुष बनते हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि गुरु महाराज के दाईं तरफ भी नहीं आते, दाहिनी तरफ नहीं आना चाहिए गुरु महाराज के। तो क्या नाम, ध्यान में बैठे तो आंखों में आंसू आए, और जब ध्यान में आ बैठे और ध्यान माने के बाद तो ये समझ में आ गया कि जो गलती मैंने इस जन्म में की है यही गलती मैंने 4 या 5वें जन्म पूर्व में भी मैं ये गलती करके आया हूँ, मैंने अपने गुरु के दाईं तरफ आकर के प्रश्न पूछा था और उसकी गलती ही मुझको ये मिली थी कि मेरा जो शरीर पिछले जन्म में जो कम आयु में ही छूट गया था बिना ज्ञान को पूर्ण किए हुए, इस कारण से हुआ था। तो ये इतने जन्म उनके आपने सुने, उन्हीं से सुने हाँ। और आप बता रहे हैं कि उनके जो आश्रम में और भी साधक थे, हाँ जी, उनके भी किसी को बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे विदेश पिछले जन्मों के कई अनुभव, हाँ जी। मैंने भी एक बार, मेरे साथ भी एक बड़ा रोचक प्रसंग हुआ, हाँ जी, मैंने भी एक बार गुरुजी से पूछा तो कि गुरुजी मेरा और आपका संबंध क्या है, तो गुरुजी ने कहा कि संभवतः पूर्व जन्म का ही कोई संबंध है। तो ध्यान में अनुभव में आया तो साक्षात्कार में आया तो, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। अच्छा, कितना आया? हाँ, तो मेरा 3 जन्म पूर्व का ध्यान में आया, अच्छा। लेकिन वो मुझको बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। अच्छा, जब मैंने गुरुजी से इस विषय में पूछा,
तो गुरुजी ने हंस करके उस विषय को टाल दिया, क्योंकि हो सकता है कि मेरी साधना आरंभिक थी और मैं बहुत एक जैसे बच्चे जैसी अवस्था में था, तो लेकिन आया अनुभव। अच्छा, एक आपने बताया था कि उनके एक गुरु थे जो तिब्बत से उनकी मदद करते थे उनकी, वो ये जो मैंने बताया उदयपुर वाली घटना, तो मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी गंगोत्री में रह करके गुरुजी ने साधना की। तो गंगोत्री में जिस जगह पर वो साधना करते थे वहाँ पर बहुत सारे योगियों के, जिसमें याजवल्क्य जी, दत्तात्रेय जी, हनुमान जी, भगवान शंकर, इन सब के साक्षात्कार होते थे। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायता करते थे वो एक, उनका नाम था सर्वज्ञ पातंजल। तो सर्वज्ञ पातंजल वो उनकी सहायता करते थे। अच्छा। तो सर्वज्ञ पातंजल उनको इतनी अच्छी सहायता कर दी कि वो आरंभिक साधना में वो 4 वर्ष तक वो सोए नहीं। अच्छा। 4 वर्ष तक लगातार ध्यान में बैठे। तो लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि मैं एक बार स्थूल रूप में सर्वज्ञ पातंजल जी के दर्शन करूं। तो उनको पता था कि जो गंगोत्री है उससे पीछे की तरफ एक घाटी है, उपत्तिका उसको बोलते हैं, तो उपत्तिका शब्द प्रयोग करते थे। वहां जाने के लिए उस समय पर डीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उनको पता नहीं, परमिशन भी पता नहीं कैसे मिली गुरुजी को, और वो गुरुजी उस घाटी में चले गए। बहुत देर तक घाटी में घूमते रहे लेकिन उनको कोई नहीं मिला। अच्छा। जब वो निराश होकर के एक जगह थक करके बैठ गए तब सर्वज्ञ पातंजल उनके सामने प्रकट हुए। अच्छा। लेकिन उन्होंने ऊपर का शरीर बिल्कुल नहीं दिखाया, केवल नीचे का ही शरीर दिखाया। अच्छा। उनके हाथ पैर काफी मोटे थे जिससे लगता था कि उनका शरीर बहुत बलिष्ठ रहा होगा, स्थूल बहुत भारी थे। तो उन्होंने कहा कि जब सर्वज्ञ पातंजल ने उनको कहा गुरुजी को कि जब मैं प्रतिदिन तुम्हारी ध्यान में सहायता करता हूँ और प्रतिदिन मैं तुम्हारे ध्यान में आता हूँ, तो तब तुम क्यों आए? तो कहा कि मेरी ये हो सकता है मेरी इच्छा हो कि मैं आपको प्रबल इच्छा थी कि मैं आपके स्थूल शरीर को देखूँ, क्योंकि वो जिंदा थे और उनकी अवस्था भी कई 100 वर्ष थी सर्वज्ञ पातंजल। तो ज्ञानगंज से संबंधित नहीं, ज्ञानगंज में ये नहीं थे सर्वज्ञ पातंजल, ज्ञानगंज के दूसरे योगी थे। तो सर्वज्ञ पातंजल ने फिर कहा कि जब 3 जन्म पूर्व तुम उदयपुर में थे, तो मैं उदयपुर में जहां पर तुम रहते थे वहीं गांव से बाहर एक जगह पर अपनी ध्यान साधना करता था। प्रायः गांव के लोग जो बाहर निकलते थे वो जब मुझे देखते थे तो मुझको अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे कि मोटा है, खाता पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता है, हंसी का पात्र बनाते थे। तो मैं किसी को कोई उत्तर ही नहीं देता था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो सबको मना करता था कि भाई वो तुमसे मांगते नहीं है, तुमको कुछ नहीं करते, ऐसा मत कहो और एक योगी है और एक योगी एक महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में तभी से ये विचार बन गया था कि ये व्यक्ति अगर आगे चल करके साधना में दृढ़ता करता है तो मैं इसकी अवश्य सहायता करूंगा। तो वो व्यक्ति तुम थे। अच्छा। तो इससे भी पूर्व जन्म की पुष्टि हुई कि सर्वज्ञ पातंजल ने उनके 3 जन्म पूर्व की पुष्टि की। अब ज्ञानगंज से जो संबंध रहा, ज्ञानगंज में जो गुरुजी थे, तो गुरुजी के कई, ज्ञानगंज में कई सारे ऐसे योगी हैं जो स्थायी रूप से ज्ञानगंज में निवास नहीं करते हैं। वो कुछ समय ज्ञानगंज में रहते हैं और कुछ इधर उधर विचरण करते रहते हैं। तो जब गंगोत्री में गुरुजी साहित्य ध्यान कर रहे थे तो उस समय ज्ञानगंज के योगी आकर के गुरुजी को दर्शन और उनकी सहायता करते थे। वार्तालाप करते हैं। इस बीच में 2 चीज बहुत प्रमुख आई जो गुरुजी हम साधकों को भी सबको बताते थे। वो एक चीज ये बताते थे कि अगर कोई सच्चे मन से साधना में लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें गुरु मिले, हमें महापुरुष मिले, ये भावना रहती है। तो एक बार एक प्रसंग उन्होंने सुनाया, प्रसंग हम सबको प्रेरणा भी करेगा। तो वो प्रसंग उन्होंने ऐसा सुनाया कि एक बार वो हिमालय में साधना के लिए गुरुजी जा रहे थे, तो एक उन्हीं के गांव के एक दूसरे व्यक्ति थे, वो ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे तो उनको भी ध्यान में एक वहीं से हिमालय से एक सिद्ध योगी आते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी, वो उनका नाम लिया गुरुजी का, इस जन्म का नाम जो श्री राजपाल जी था, कि वो हिमालय में साधना करने जा रहे हैं, कृपया आप उनकी सहायता करिए। तो उन्होंने जो योगी थे, उन्होंने योगी ने उन्होंने कहा कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम तो ये देखते फिर रहे हैं कि सच्चे मन से साधना कौन कर रहा है। तो जो सच्चे मन से साधना कर रहा है हम उसकी सहायता स्वयं ही करते हैं,
तो आपको किसी माध्यम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ज्ञानगंज के योगी जो है उस तरह से गुरु जी को ध्यान में सहायता करते थे। अच्छा, एक महावतार से भी कुछ संबंध रहा? महावतार बाबा जी का ये कहते थे कि महावतार बाबा जी का मुझको उस परंपरा का मतलब साक्षात्कार है। अच्छा, लेकिन ज्यादा विशेष उसमें डिटेल में एक बार आपने बताया था ना कि वो 18 सिद्ध थे उनके। ये मेरी स्वयं की यात्रा रही। अच्छा, नहीं वो जो गुरुजी बता रहे थे वो 18 सिद्ध का था। ऐसा था कि वो दक्षिण भारत में एक जगह औषधि एक कोई तेल लेने के लिए गए थे। वहां जहाँ तेल ले रहे थे तो वहाँ एक पुराने वैद्य थे। उन पुराने वैद्य ने ये बताया कि जब हम ये औषधि तैयार करते हैं तो 18 सिद्ध महात्मा आकर के हमें आशीर्वाद देते हैं जिससे हम ये तेल बनाते हैं, तैयार करते हैं। वहां पे पलनी में मुझे ध्यान आ रहा है, पलनी जगह है साउथ में, और वहां पे वो थे भोगानाथ। तो उन्होंने एक औषधि बनाई थी, उसका नाम था मुप्पू। अच्छा, मुप्पू। हाँ जी, उसका वो सेवन करके और परलोक में अन्य मंडलों में विचरण करते थे। अच्छा। और वापस आ जाते थे। हाँ जी। उनका एक कुत्ता था, उसको भी एक बार वो अपने साथ ले गए। हाँ जी। और शिष्यों को कहा कि आप भी पी लो, तो उन्होंने कहा कहीं हम मर ना जाए। हाँ जी। इस डर से उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया। एक औषधि के बारे में मैं और गुरु जी आपने वो किया तो एक औषधि के बारे में इसी से वो करके। हाँ, गुरु जी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। बहुत अच्छे योगी थे और योगी के साथ साथ आयुर्वेद आचार्य भी थे। तो एक औषधि होती है जिसको बोलते हैं सोमलता। सोमलता वेदों में बहुत अच्छी आता है कि सोम रस का पान करते हैं। सोम रस वो वेदों में सोम यज्ञ भी सोम यज्ञ भी होता है। हाँ, और सोमलता ऐसा करके एक लता सोम रस बनाया जाता है। हाँ, हाँ। आज के परिपेक्ष में तो सोम रस का मतलब शराब से गलत, गलत करते हैं लोग, मदिरा को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। वो अफगानिस्तान के पर्वतों में उधर होती थी औषधि। हाँ। तो हम गुरुजी के साथ एक बार मूंज पर्वत पे ये औषधि विशेष रूप से ये वनस्पति पाई जाती थी। तो आप बताइए। हाँ, तो गुरुजी कहते थे कि अगर सोमलता का पान कोई करे तो उसको अपने असंख्य जन्मों की स्मृति आ जाती है। अच्छा। तो हम लोग सोमलता ढूंढने के लिए बद्रीनाथ से ऊपर जो अलकनंदा नदी निकलती हाँ, है। हाँ। अलकनंदा वसुधारा से निकलती है। वसुधारा है। हाँ, तो वसुधारा तीर्थ के आसपास सोमलता उगती है। अच्छा। तो हमने बहुत रिसर्च किया और हम कई दिन तक 10 दिन तक वहां पर रहे, लेकिन हमारा सौभाग्य ऐसा नहीं हो पाया कि हमें सोमलता मिली नहीं। और अन्य औषधियां तो बहुत मिली, लेकिन हमें सोमलता नहीं मिल पाई। क्योंकि उसके बारे में जितना पढ़ा था तो गुरुजी की बहुत इच्छा थी। हम गुरुजी के साथ रहे 8-10 दिन वहां पर की, तो वो भी बहुत अच्छा मिल नहीं पाई। तो बहुत अच्छा अनुभव। अफगानिस्तान में अब भी मिलते हैं वो। हाँ, सोमलता जो हमने जितना बहुत अध्ययन उस पे किया। हाँ। सोमलता 24 प्रकार की होती है। अच्छा। तो जो सबसे निम्न स्तर की, जो पहले स्तर की सोमलता है, वो तो हमारे आश्रम में भी थी। अच्छा। लेकिन उसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है। अच्छा। जो सबसे ऊंचे स्तर की सोमलता है, उनके नाम भी है, मुझे अब नाम तो याद नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन उसमें जो सबसे ऊंचे स्तर की सोमलता है, वो सोमलता वो हिमालय क्षेत्र में ही मिलती है। हिमालय में। हाँ, उस सोमलता के बारे में ऐसा कहते हैं कि अगर उसका पान कर लिया जाए तो चाहे कितना भी वृद्ध व्यक्ति हो वो युवा बन जाता है। युवा हो जाता है। और जैसे ज्ञानगंज के विषय में कहते हैं कि वहाँ सब युवा ही हैं। हाँ। वो कभी वृद्ध नहीं होते। हाँ जी। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव गुरुजी के साथ रहते थे। और अच्छा, आपने वो जिक्र किया था जो हिमालय में अमर योगी अब भी हैं। हाँ, जैसे आपके काकभूषणडी हैं और याज्ञवल्क हैं, दत्तात्रेय जी हैं, परशुराम जी हैं। हाँ, महेंद्रगिरि पर्वत पे उनको बताया जाता है। नहीं, ये जो परशुराम जी है ना। हाँ, परशुराम जी तो महेंद्रगिरि में। हाँ। लेकिन हिमालय में तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ से अगर हम नीचे से ही आरम्भ कर दें, ऋषिकेश से, तो इसके विषय में तो ये हो सकता है कि इस पर तो बहुत लंबी चर्चा की जाती है, क्योंकि मैंने अध्ययन भी बहुत किया है। अच्छा। और मैं कम से कम ऐसे कई हजार प्रसंग मैंने ऐसे सुने हैं या पढ़े हैं। आपके जो गुरु महाराज हैं उनके
टच में कोई इस तरह ऐसे बहुत सारे योगी उत्तरकाशी के बहुत सारे योगी बताए, ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे योगी बताए, और आप बताते थे हरिद्वार में, हरिद्वार में भी है ऐसे कोई पॉइंट है वहाँ सूर्य की तरफ को मुंह करके खड़े होकर हो जाइए, इतने कदम इधर को चलिए तो वहाँ वो ऐसे योगी मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं, और ऐसा ऐसा नहीं है कि ये बहुत प्राचीन काल की बात हो, अभी तक भी अभी आपको मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ, बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये घटना लगभग 40 वर्ष पुरानी है। अच्छा, इस 40 वर्ष पुरानी है, नहीं 40 से ज्यादा वर्ष पुरानी होगी थोड़ा सा। एक पीपल कोटी एक जगह पड़ती है बद्रीनाथ से, तो वहां पर एक जज जो मद्रास हाई कोर्ट से थे, वो जज यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, पहले सुविधाएं इतनी थी नहीं, पीपल कोटी में उनकी गाड़ी खराब हुई, तो पीपल कोटी में उनकी गाड़ी खराब हुई तो ये उस समय पर मैकेनिक वगैरह ऐसे थे नहीं, उन्होंने ड्राइवर से पूछा कितना समय लगेगा, तो ड्राइवर ने बताया कि इसे ठीक होने में अभी 2-4 घंटे कम से कम लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो परिवार सहित थे तो परिवार को वहीं छोड़ कर घूमने के लिए चल गए। जब घूमने के लिए निकल गए, जंगल की ओर निकले, तो जंगल में उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति को मार करके पेड़ पर उसकी लाश को टांग दिया है। अच्छा। अब वो चूंकि जज थे तो उनके अंदर एक इच्छा जगी कि मैं देखूं कि इतने घने जंगल में यहाँ पर कौन मारने के लिए, कौन टांगने के लिए आया। जब वो निकट गए तो निकट जाने के बाद देखा कि मैं गलत सोच रहा था, किसी ने मारकर कोई किसी को नहीं टांगा हुआ, एक योगी ध्यान में बैठे हुए हैं। अच्छा। और उनका आसन हवा में उठा हुआ है, और हवा में उठा हुआ है तो उनको ध्यान में आया कि जो ये हवा में आसन उठा हुआ है वो वहीं पर बैठ गए, प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर बाद वो आसन नीचे आया, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि तुम इस क्षेत्र में प्रवेश के योग्य अभी नहीं हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं हूँ, तभी तो मैं आ गया हूँ, और अब आ गया हूँ तो अब मैं वापिस नहीं जाऊँगा, तो मुझे स्वीकार करो। तो आर्थ भावना थी, भक्ति भावना थी, बहुत आग्रह किया। उन्होंने कहा नहीं देखो, हम जिस स्तर पर हैं, हम ना तो स्थूल भोजन करते हैं और ना ही हमारा स्थूल, हम कोई जैसे सोच आदि का कर्म से हम ऊपर उठ गए, अलग हो गए, और तुम चूंकि अभी स्थूल ही खाते हो और स्थूल ही तुम्हारा विसर्जन होता है, तो इसलिए तुम इस स्थान के योग्य नहीं हो। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप मुझे ये करिए, कुछ योग का वो बताइए, समझाइए। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो एक गुफा थी, उस गुफा में उन्होंने प्रवेश किया, एक गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में 100 अन्य गुफाएं थी। अच्छा। और हर गुफा में एक योगी बैठे हुए थे, और वो योगी इतने सिद्ध योगी थे कि हर योगी के शरीर से एक प्रकाश निकल रहा था। तो उन्होंने उन योगियों ने उन सभी 100 के 100 योगियों का परिचय करवाया कि कोई महाभारत काल से, कोई रामायण काल से, कोई सतयुग काल से, और कोई कई प्रलय भी झेल चुका था कि कई प्रलय से भी ये बैठे हुए चतुर्योगी पार कर चुके थे। तो उन्होंने जब बताया तो वो जो जज थे उन्होंने कहा कि जब पहले तो चला भी जाता, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब तो मैं यही रहूंगा। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इस क्षेत्र के अभी योग्य नहीं। तो इसी तरह से बात चलती रही। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हें भूख लगी होगी, तो उन्होंने एक बहुत दिव्य सा फल अपने उससे निकाला, और एक अमरूद जैसा फल, उसको बताते थे कि अमरूद जैसा कुछ फल था, वो अमरूद जैसा फल उन्होंने लिया, कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी इसको खाओ। तो उन्होंने खाया, खाने के बाद उन्होंने लगा कि मुझे कुछ नींद सी आ रही है। जब अचानक से आँख खुली तो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास पाया। फिर उन्होंने ये बात अपनी परिवार को बताया, तो परिवार पूरा गया, लेकिन काफी उनको कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के हिमालय में योगियों की जो एक परंपरा है, ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा है, बिल्कुल, और जो अभी भी है। और ये हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि हम लोग जो पृथ्वीवासी हैं, हम लोगों की मदद अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, उनके संकल्प ये है कि हम योगियों के साथ ये जो है वो जो पवित्र आत्माएं हैं उनको आगे बढ़ाएं ईश्वर की तरफ। गुरुजी एक वाक्य करते थे इस विषय में, वो ये बोलते थे कि आपके समर्पण की देरी है, परमात्मा के अनुग्रह में देरी नहीं है।
सही बात, आप समर्पण कर दो तो ये योगी सब आपकी सहायता के लिए, बिल्कुल परमात्मा भी आपकी प्रस्तुत है, प्रस्तुत है, प्रस्तुत है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो देखिए, हमने ये आज के समय में जो योगी हैं हमारी पृथ्वी पर, हिमालय में, हिमालय से भी ऊपर के मंडलों में उनकी वार्ता की है, और जो आपके गुरुदेव थे जो अब भी हैं दिव्य मंडल में हैं, लेकिन भौतिक शरीर उन्होंने अपना त्याग दिया है, उनके पिछले जन्मों के बारे में हमने बात की है, और ऐसी ही वार्ता हम आपसे और भी आगे करते रहेंगे। तो इस विषय में आपने बात की, उसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।